गोरखपुर न्यूज के हेडलाइन के प्रायोजक हैं एस्प्रा। गोरखपुर न्यूज के सह प्रायोजक हैं डॉक्टर राणा हॉस्पिटल प्राइवेट लिमिटेड एंड ट्रामा सेंटर। गोरखपुर न्यूज से विशेष बात करते हुए मंडलायुक्त ने कहा, असुरन से मेडिकल कॉलेज की सड़क बनेगा मॉडर्न सड़क। गोरखनाथ मंदिर रोड की सड़क के कार्य की प्रगति हुई तेज, वर्ष के अंत तक दोनों सड़कों का होगा निर्माण कार्य पूरा। नवागत एसएसपी जोगिंदर कुमार ने गोरखपुर पहुंचकर कार्यभार किया ग्रहण। मीडिया से हुए रूबरू, दिखाए तेवर, कहा जनता को मिलेगा न्याय और अपराधियों पर की जाएगी कड़ी कार्रवाई। लापरवाह थाना अध्यक्षों की छिनेगी थानेदारी। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से भारत सरकार के आवासन व शहरी मंत्रालय के मंत्री हरदीप पुरी ने पीएम स्वनिधि तथा स्ट्रीट वेंडर योजना की समीक्षा। कहा स्ट्रीट वेंडर योजना सिर्फ लोन तक ना रहे सीमित, बल्कि वेंडरों का जीवन स्तर हो बेहतर। बढ़ती भीड़ को देखते हुए जिलाधिकारी ने दुकानों के बंद होने के समय सीमा में की बढ़ोतरी। कहा सभी दुकानदार सोशल डिस्टेंसिंग का करे पालन, नहीं तो दुकान को किया जाएगा सील। चिकित्सा शिक्षा के प्रमुख सचिव डॉक्टर रजनीश दुबे ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से जिले में कोरोना की टेस्टिंग रिपोर्ट की समीक्षा। कहा बढ़ाई जाए कोरोना के टेस्टिंग की क्षमता। जिलाधिकारी ने सभी निजी व सहकारी उर्वरक बिक्री केंद्रों के द्वारा आधार कार्ड के माध्यम से किसानों को उर्वरकों की बिक्री किए जाने के दिए निर्देश। कहा आदेश के उल्लंघन करने वालों पर होगी विधिक कार्यवाही। NADCP कार्यक्रम के अंतर्गत पशुओं के खुरपका मुहपका टीकाकरण अभियान का जिलाधिकारी ने किया शुभारंभ। कहा पशुओं के बीमारी के रोकथाम में कारगर साबित होगा टीकाकरण। मुख्य विकास अधिकारी की अध्यक्षता में संपन्न हुई परफॉर्मेंस ग्रांच के तहत जनपद के 37 ग्राम पंचायतों को मॉडर्न ग्राम के रूप में विकसित किए जाने संबंधित बैठक। कहा ग्राम प्रधान अपने गाँव को करे विकसित, बनाए मॉडर्न ग्राम। गोरखपुर में मंगलवार को कोरोना के 231 मिले नए मरीज। जिले में संक्रमित मरीजों की संख्या हुई 5,890। कोरोना संक्रमण के कारण एक मरीज की हुई मौत। एक्टिव मरीज हुए 2,578। सीएमओ डॉक्टर श्रीकांत तिवारी ने दी जानकारी। कोरोना महामारी के संक्रमण को फैलने से रोकने के लिए जिलाधिकारी के विजयन पांडियन के निर्देश पर कलेक्टर परिसर में 4 जगहों पर आम जनता एवं कर्मचारियों को निशुल्क पिलाया जा रहा है आयुष काढ़ा। कहा आयुष काढ़ा पीने से मजबूत होता है इम्यूनिटी सिस्टम। और आबकारी विभाग ने 55 लीटर अवैध कच्ची शराब के साथ 3 महिला कारोबारियों को किया गिरफ्तार। आबकारी इंस्पेक्टर ने कहा मुकदमा पंजीकृत कर की जाएगी कार्रवाई।